नहीं डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी, हमारा बिहार के जनता सब हमारा पलवार है, बिहार के जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार के जनता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा है कि वे CBI छापों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है जो उनके परिवार की तरह है। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। तो आज के पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम का सवाल था, बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले RJD के नेताओं पर CBI की छापेमारी। JDU का कहना है ये राजनीतिक छापा है, क्या आप सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में 66% लोगों ने कहा है हाँ, जबकि 34% लोगों का जवाब ना में था। जिन लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनमें रॉयल परमार ने लिखा है छापा किसी भी तरह का हो, मतलब ब्लैक मनी से होना चाहिए था, पैसे मिले तो सब सही। गुरु प्रसाद कनाडे लिखते हैं मतलब राजकीय पक्ष कुछ भी गलत काम करे उसकी जांच होती है तो सीधा राजनीतिक रंग दे दो और छूट जाओ। आश्चर्यजनक ये है कि इसे हाँ कहने वाले उतने ही हैं। अब बिहार में सरकार बदल गई है तो आप भी पुरानी सरकार में रहे BJP के मंत्रियों की जांच करो, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है कौन रोक रहा है। ब्रजेश कुमार तिवारी ने कहा है राजनीतिक दल के यहाँ जब भी छापा पड़ता है तो उसे राजनीतिक छापे का रंग देने का प्रयास होता है, जबकि छापा भ्रष्टाचारी के यहाँ पड़ता है, यही सच है। ध्यानेश चतुर्वेदी ने लिखा है CBI हो या कोई भी हो और एजेंसी हो, उनका काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है। जब देश में अधिकांश भ्रष्टाचारी राजनीति का कवच ओढ़े हुए हैं तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? देश से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जाना चाहिए, इससे टैक्स पेयर्स का लूटा माल ही बाहर निकल रहा है, नेताओं की मेहनत की गाढ़ी कमाई नहीं। गोपाल कृष्णन ने लिखा है कि लालू प्रसाद को तिहाड़ जेल में होना चाहिए, बिहार में जंगल राज लौट आया है। उन्होंने इसके आगे लिखा है बेशर्म पलटू राम। पंडित सुरेश ने लिखा है डिजाइनर जेब खतरे पनौती तोते की जान। और राजेंद्र पौराणिक लिखते हैं लालू परिवार का पुराना इतिहास ही काफी है जनता को समझने के लिए, पूरा खानदान राजनीति के व्यापार में लगा हुआ है, लालू जी पर भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध हो चुका है, आज भी बिहार का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, बिहार फिर सालों पीछे चला गया। संत सी लिखते हैं राजनीति ही है और क्यों न हो, नोटिस कुमार ने जो मीर जाफरी किया है उसका परिणाम है ये। सनवर राव ने कहा है मोदी शाह नहीं चाहते देश में कुछ और हो, 29 राज्यों में सिर्फ BJP ही हो। योगेश परदेसी लिखते हैं काले धन की कमाई ज्यादा दिन तक नहीं रहती, जनता का पैसा हजम नहीं होता है भैया। हमें इस तरह के सैकड़ों लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, हजारों लोगों ने जवाब दिए हैं, हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, पर हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाएं। अब हम बताते हैं कि मामला आखिर क्या है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार के विश्वास प्रस्ताव रखे जाने के ठीक पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों के यहाँ छापे मारे। इनमें लालू यादव के बेहद नज़दीकी माने जाने वाले सुनील सिंह भी शामिल हैं। CBI का कहना है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले यानी लैंड फॉर जॉब्स स्कैम की जांच के तहत ये छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, क्या है ये नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला जिसके तहत
सीबीआई कई साल बाद जगह जगह छापे मार रही है। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। बेकार कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन, क्या नजीर पेश कर रहे हैं। अब तो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे, और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया, उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए। हमारे नेताओं की हरेट कर रहे हैं, किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है कि एक सरकार आपके अनुरूप नहीं चल पाई। उसने जन सरोकार के लिए गठबंधन बदल लिया, इसका है, इसकी खुन्नस है। पॉलिटिकली लड़िए ना, लेकिन आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना, 26 वर्षों से हम देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ शब्दों में कहा कि वे इन छापों से नहीं डरती। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी। हमारा बिहार के जनता सब हमारा पलवार है, बिहार के जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार के जनता। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। हम आपकी बातों को लेकर, आपके प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं और आपकी असहमतियों को सम्मान देते हैं। तो कल एक बार फिर हम एक नए सवाल के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंतजार रहेगा। नमस्कार।